नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बांझ ब्राह्मणी और ब्राह्मण के कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहुत ही नियम कर्म दोनों पति पत्नी करते थे। बहुत पूजा पाठ करते, ईश्वर को बहुत मानते थे। पक्षियों को दाना चुगा डालते, गौ माता को रोटी खिलाते, आटे की लोई बनाकर खिलाते, मछलियों को आटे की लोई बनाकर खिलाते, फिर भी ब्राह्मणी के कोई संतान नहीं हुई। अब दोनों पति पत्नी ने अपने जीवन को भक्ति में लगा दिया कि भगवान की कृपा होगी तो एक दिन उन्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। दोनों पति पत्नी गांव से दूर 12 कोस गंगाजी में कार्तिक स्नान करने जाते। वो रोज सुबह जल्दी उठते और कार्तिक स्नान करने के लिए 12 कोस पैदल जाते और गंगा स्नान करके वापस लौटते तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े थक जाते थे। ब्राह्मणी सोचती थी, काश मेरे भी कोई बेटा या बेटी होता तो मुझे कितना सहारा होता। मैं थक हार कर आती हूँ तो आकर घर का काम करना मेरे बस में नहीं होता, लेकिन मजबूरी में करना होता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर साल ब्राह्मणी और ब्राह्मण कार्तिक पूजन करते, कार्तिक स्नान करते, कार्तिक स्नान। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और हर जगह मन्नत मांगते कि कम से कम उन्हें एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाए। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और ब्राह्मण और ब्राह्मणी की भी उम्र बढ़ने लगी। अब वो काफी उनकी उम्र हो चली, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो फिर भी 12 कोस जाते गंगा स्नान करने के लिए और गंगा स्नान करके अपना पैदल ही आते आकर अपने कार्तिक की कहानी सुनते, तुलसी जी के दीपक लगाते, आरती करते, राय दामोदर की कथा सुनते, पथवारी की कथा सुनते। यह उनका नियम कर्म था। एक दिन ब्राह्मणी रोने लगी, सोचने लगी, मेरे भी एक पुत्र होता तो मेरे घर में बहू आ जाती, बेटी होती तो अपनी माँ के दुख सुख की पूछती, कम से कम लोग मुझे बांझ तो नहीं कहते। एक औरत तो तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन ब्राह्मणी बेचारी अपने मन को महसूस कर रह जाती कि हाँ, वो बहू थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। अपने आप को बड़ा असहाय समझती थी और गांव की औरतें थी। कभी कभी बात करते करते बांझ नाम ले देती थी तो ब्राह्मणी को बड़ा दुख होता था। बांझ शब्द से एक गाली के जैसे लगता था। वह खूब रोती थी। ब्राह्मण कहता था, ब्राह्मणी से अख भाग्यवान, तू क्यों इन बातों को दिल से लगाती है? हमारे नसीब में पुत्र होगा तो जरूर मिलेगा। तू भगवान पर ध्यान लगा। संसार तो झूठी मोह माया है। भक्ति में अपना मन लगा और ऐसे ही समय बीतने लगा। लेकिन ब्राह्मणी के मन में माँ बनने की लालसा लगी रही। हर औरत माँ बनना चाहती है। यह उसके लिए अद्भुत सुख होता है। वो भी चाहती थी कि उसके भी कोख से संतान का जन्म हो। लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी, ये तो भगवान ही जानते थे। धीरे धीरे कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कार्तिक के समाप्ति पर पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया। ब्राह्मणों को भोज कराया। ब्राह्मणों को भोज कराते कराते ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए और आंसू जैसे ब्राह्मण को भोज करा रही थी तो एक ब्राह्मण के पैर पर गिर गए। वे कहने लगे, माता तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या कारण है जो आप भोजन कराते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? आपका दर्द आपकी आंखों से छलक रहा है। ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे घर में सुख समृद्धि है, इतना धन दौलत है, लेकिन उसे भोग करने वाला कोई भी नहीं है। अगर मेरे कोई बेटा या बेटी होती तो मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता, लेकिन मुझे सब बांझ कहते हैं और मुझे भगवान की कृपा से अगर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मेरे घर में भी बहू होती, मैं भी अपने पोते पोतियों के साथ भरे पूरे परिवार का सुख भोगती। ब्राह्मण बोला, हे माता, आप भगवान पर भरोसा रखो, विष्णु भगवान तुम्हारी जरूर इच्छा पूरी करेंगे।
ब्राह्मणी ने खुशी खुशी जिन ब्राह्मणों को भोज कराया, उचित दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद ब्राह्मणी बड़ी उदास हो गई क्योंकि उम्र निकल रही थी और प्रौढ़ अवस्था उनकी आ चुकी थी। फिर से कार्तिक का महीना आया। ब्राह्मणी आती थक जाती। अब ब्राह्मण जब रोने लगती, ब्राह्मण उसे उसकी ढांढस बंधा था। ब्राह्मणी का धीर बंधाता कहता, अरे भगवान, तू क्यों दुखी होती है? तू बहू चाहती है ना? कार्तिक का महीना समाप्त होने दे। भगवान ने चाहा तो मैं तेरे लिए बहू लेकर आऊंगा। ब्राह्मणी कहने लगी, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? गांव समाज तो मुझे बांझ कहता ही है कि अगर किसी से भी मनमुटाव हो जाए तो कहते हैं कि खिला ले ललना और भोग ले सुख बहू बेटों का, क्योंकि बड़ा ढोंग करती है, पूजा पाठ करती है, दिखाती है, तभी तो बांझ है। फिर भी मैं बाहर वालों के तानों से ही नहीं उबर पाती। अब आप भी मेरे साथ मजाक करने लगे हैं कि मेरे लिए बहू लेकर आओगे। बिना बेटे के बहू कहाँ से आएगी? तब ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, तो क्यों इतना दिल पर ले रही है? खुशी खुशी रहे। भगवान ने चाहा तो तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मणी को कुछ आस बंधी। अब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर अपना कार्तिक स्नान करने जाते, 12 कोस जाते और 12 कोस फिर वापस पैदल आते। यही उनका नियम था। गांव वाले तो कहते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी को तो जलने वालों की कोई कमी नहीं होती। कोई पूजा पाठ करो या कोई भी कुछ काम करो, उन्हें तो 10 अच्छा कहेंगे तो 10 बुरा कहेंगे। ये तो रीत चली आ रही है। अब ब्राह्मणी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, अपने भगवान की पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, कहानी सुनती, राई दामोदर भगवान की पूजा करती, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करती और बस उसका तो एक ही मन्नत थी कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अभी भी उसे यही आशा थी कि उसके माथे पर लगा बांझ का कलंक धुल जाए, कोई उसे बांझ ना कहे। अब ब्राह्मण ने देखा कि ब्राह्मणी दिन पर दिन सूखती जा रही है, बड़ी दुखी है। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बहुत समझाया। ब्राह्मण जब भी बात करता तो ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ जाते। अपनी प्रिया की बातें सुनकर ब्राह्मण को भी दुख होता क्योंकि वह पिता बेशक था लेकिन अंदर से पिता नहीं था। पिता बनने का सौभाग्य उसे नहीं मिला था तो अंदर से वह भी दुखी होता था। पिता बनने का सौभाग्य तो वो भी चाहता था लेकिन औरतें थोड़ा आंसू बहाकर दिखा देती हैं और जो आदमी होते हैं वो आंसू नहीं बहाते लेकिन अंदर से तो उनका भी दिल रोता है। अब कार्तिक का महीना समाप्त हो चुका था। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मणी से कि चलते हुए काम कर, मैं तेरे लिए बहू का इंतजाम करता हूँ। तेरे लिए बहू लेकर आऊँगा तो एक काम कर, मेरे लिए रास्ते के लिए थोड़ा आटा एक थैली में भर कर दे दे ताकि मुझे कहीं भूख लगेगी तो मैं कहीं भी अपनी 4 रोटी बनवा कर खा लूँगा। और एक काम जरूर करना, उस आटे में सोने की अशर्फियां डाल देना। ब्राह्मणी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ब्राह्मण क्या करने वाला है। उसने जैसे ब्राह्मण ने कहा वैसे उसने कर दिया। उसने एक थैली में आटा डाल दिया और उसमें 10-12 सोने की अशर्फी डाल दी और उन्हें लेकर ब्राह्मण चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण अपने गांव से घनी दूर निकल गया और चलते चलते गांव छोड़ फिर दूसरा गांव मतलब निकलता गया बहुत खोजने के लिए। लेकिन खोजे तो खोजे कैसे? ब्राह्मण बड़ी असमंजस में था। तभी वह एक गांव के बाहर बाहर निकला जा रहा था। उस गांव में नदी बह रही थी और कुछ लड़कियां नदी पर जल भरने के लिए आई थीं। वे अपनी गागर भरकर उन्होंने वहीं रख रखी थी और मिट्टी के घर बना रही थी। कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाती और उन्हें बिगाड़ देती। उनमें एक लड़की थी जिसे लड़कियां राधा नाम लेकर पुकार रही थीं। उस लड़की का नाम राधा था। उसने भी मिट्टी का बहुत ही खूबसूरत घर बनाया था। वो अपनी सखियों से कहने लगी, देखो मैंने अपना घर बनाया है लेकिन मैं इसे नहीं बिगाड़ होगी। मैं अपने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से संजो कर रखूंगी। मैं अपने घर में हर प्रकार से संभालेंगी। तुम तो अपने घरों को बनाती और बिगाड़ती हो। ब्राह्मण खड़ा हुआ, उन लड़कियों की बातें सुन रहा था जो कि हम उम्र लड़कियां थीं और शायद आपस में सखियां थीं।
ब्राह्मण ने उन लड़कियों की बात सुनी तो जो राधा नाम की लड़की थी, जिसने कहा कि वह अपने घर को संभाल कर रखेगी और उसे बड़े प्यार से सलीके से सजा देगी, तो ब्राह्मण ने समझा कि ऐसी लड़की ही सर्वगुण संपन्न होती है, यही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। ऐसी ही लड़की की तलाश में ब्राह्मण दर दर भटक रहा था। अब शाम होने को आई थी। लड़कियों ने अपनी गागर उठाई और अपने अपने घरों के लिए चल दी। अब ब्राह्मण भी उन लड़कियों के पीछे पीछे चल दिया। जब वे लड़कियां अपने गांव में पहुंची, तो सब अपने अपने घरों में मुड़ गए और जो राधा थी उसका घर थोड़ा अलग था। गली के बिल्कुल लास्ट में तो ब्राह्मण भी उस राधा के पीछे पीछे चल दिया। जब राधा अपने घर के अंदर चली गई, तो ब्राह्मण कुछ देर बाहर रुककर उसने उस राधा के घर का दरवाजा खटखटाया। राधा की माँ ने दरवाजा खोला और एक परिचित इंसान को देखकर कहने लगी, अरे ब्राह्मण देवता कौन है, कहाँ से आए हैं और आपको क्या चाहिए? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, देखिए देवी जी, मैं तो एक चलता मुसाफिर हूँ, अपने गांव लौट रहा था, लेकिन संध्या का समय हो गया है इसलिए भूख भी लगी है। अगर आप मेरी दो रोटी शेक दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उस ब्राह्मणी ने कहा, अरे वो भी पंडित थे जिनका वह घर था। क्योंकि लड़कियों की बातों से ब्राह्मण ने अंदाजा लगा लिया था कि वह ब्राह्मण परिवार की ही लड़की थी। अब ब्राह्मण अंदर गया। अंदर राधा के बाबा भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी राधा की माँ, वह कहने लगी, लीजिए पंडित जी, मैं तुम्हारे लिए रोटियाँ बना देती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि देखिए देवी जी, मेरी एक शर्त है, मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता, इसलिए अन्न मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर आप थोड़ा सा बस मेरा आटा लेकर इसे छलनी से छानकर दो रोटी बनाएंगे तो वही मैं खा लूँगा। तो क्योंकि मेरा कार्तिक स्नान का पुण्य है चल रहा है, हम कार्तिक स्नान करते हैं और इसलिए मैं बहुत नियम कर्म करता हूँ, किसी के घर का नहीं खाता हूँ। वो बोली, कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता लाइए, अपनी झोली दे दीजिए, मैं इसी से आपकी रोटियाँ सेक देती हूँ। अब उस ब्राह्मणी ने जो राधा की माँ थी, उस ब्राह्मण का आटा ले लिया और उसे छलनी से छानने लगी। जब वो छलनी से आटे को छानने लगी तो क्या देखती है, उसमें तो सोने की अशर्फियाँ हैं। ब्राह्मणी सोचने लगी कि बड़ा ही बहुत ही अमीर ब्राह्मण है, बहुत पैसे वाला है, बहुत ही धनी है, जिसके आटे से अशर्फियाँ निकल रही हैं, तो सोचो उसके घर में कितनी है, कितना धन होगा। उधर ब्राह्मण राधा के पिता से बात कर रहा था। आपस में दोनों बातें कर रहे थे तो पूछने लगे, ब्राह्मण देवता आप किस गांव के हैं और कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि देखो, मैं अपने बेटे के लिए एक योग्य वधु ढूंढने के लिए निकला हूँ, लेकिन चलते चलते मुझे शाम हो गई है। मेरा बेटा काशी जी पढ़ने गया है और उसके लिए मुझे अपने बेटे के जैसे ही सुंदर और संस्कारी बहू की तलाश है, इसलिए मैं गांव-गांव अपने लिए, अपने बेटे के लिए मतलब पुत्र वधु की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे घर की बहू बन सके। मुझे ऐसी लड़की की तलाश है। तभी जो राधा की माँ थी, वो भी रसोई घर में बैठी इन बातों को सुन रही थी। उसने इशारे से अपने पति को बुलाया और उससे कहने लगी, राधा के बाबा देखिए ब्राह्मण, बेटे के लिए बहू की तलाश में निकला है तो हमारे भी तो घर में बेटी है और हमें भी वर की तलाश है। घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है, और देखिए ब्राह्मण बड़ा धनवान है और बेटा भी संस्कारी, काशी जी पढ़ने गया है तो हमारी राधा कैसी रहेगी? राधा के लिए आप बात चलाइए, देखो ब्राह्मण के घर में कितना धन होगा, कितना धनिया, जिसके आटे में भी देखो दिखाई उसने सोने की अशर्फियाँ निकली हैं। ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो, मैं ब्राह्मण से अभी बात चलाता हूँ। ब्राह्मण जो राधा का बाबा था, वो कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे घर में भी मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अगर आप देखना चाहो तो मेरी बेटी को देख लो, बड़ी संस्कारी है, शायद तुम्हारे घर की बहू बनने के लायक हो।
बड़े हमने अच्छे संस्कार अपनी बेटी को दिए हैं। तभी ब्राह्मण के लिए राधा थाली में भोजन लेकर आती है और अपने बाबा और ब्राह्मण को भोजन कराती है। ब्राह्मण तो आया ही इस मकसद से था और उसकी योजना भी सफल रही। ब्राह्मण कहने लगा कि देखो मैं आया हूँ पुत्रवधू के लिए, लेकिन मेरा बेटा तो 12 बरस के बाद आएगा। अभी तो वह काशी जी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया है, तो पहले के जमाने में जो लोटे के साथ भी विवाह कर दिया जाता था, बेटे का कोई भी समान होता था उसके साथ भी विवाह हो जाता था। ब्राह्मण के साथ लोटा था तो वह कहने लगा कि अब मेरा बेटा कब आएगा? जब उसकी शिक्षा ग्रहण करके पूरी हो जाएगी तब लौटेगा। इससे अच्छा तो यही है कि हम तुम्हारी बेटी का विवाह अपने बेटे से कर देंगे। ब्राह्मणी को भी ब्राह्मण का प्रस्ताव उचित लगा। उसने कहा कि ठीक है, हम अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। ब्राह्मण के बेटे के नाम से उस लोटे के साथ और अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। इतना अच्छा मौका फिर कभी मिले या न मिले, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने लोटे के साथ अपनी बेटी का विवाह संपन्न करा दिया और ब्राह्मण अपने बेटे की बहू को लेकर यानी उस राधा को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अब जब ब्राह्मण पुत्र वधु को लेकर घर आया तो उसने दरवाजे पर आवाज लगाई ब्राह्मणी को, अरे कहाँ भाग्यवान, आरती की थाली लाओ, बहू का आरती करो और उसका गृह प्रवेश कराओ। देखो तुम्हारे घर में बहू आई है। अब ब्राह्मणी को तो विश्वास नहीं हुआ, बिना बेटे के बहू कैसे आ सकती है? वो कहने लगी, अरे ब्राह्मण से अक्स स्वामी, आप क्यों मेरा मजाक बनाते हो, क्यों मेरा उपहास कर रहे हो? वह कहने लगा, अरे ब्राह्मणी, अरे भाग्यवान, दरवाजा तो खोल, कम से कम देख तो ले। ब्राह्मणी ने देखा तो सचमुच में साक्षात लक्ष्मी जी का रूप, इतनी सुंदर बहू देख देखी उसने तो वो तो बिल्कुल अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाई। भगवान के गुण गाने लगी कि मेरा पति बिना बेटे के बहू कैसे ले आया। उसकी आँखों में तो ढेर सवाल थे। ब्राह्मण ने कहा कि पहले बहू का प्रवेश कराओ फिर बातें करना। ब्राह्मणी ने अपनी बहू को गृह प्रवेश कराया और सारी रस्में करके अंदर बिठाया। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका था। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी 12 कोस फिर से जाने लगे थे गंगा स्नान के लिए। अब ब्राह्मणी ने अपनी बहू को समझाया कि देख बेटी, घर की आग बुझने न पाए, हमेशा घर में आग रखना ताकि कहीं मांगने न जाना पड़े। पहले क्या होता था, जब कभी चूल्हे में आग खत्म हो जाती थी तो दूसरे के घर से लेकर आ जाते थे। उसने कहा, बेटी असली गुणी बहू वही होती है जो अपने घर की आग बुझने ना दे। वो बोली, मां जी जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी हर इच्छा का पालन करूंगी। अब बहू आने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े खुश रहने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की अपनी दिनचर्या थी। वो रोज सुबह 12 कोस फिर गंगा स्नान करने जाते, तुलसी जी सींचते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते और अपना गौ की सेवा करते। अब ब्राह्मणी आती तो घर के सारे काम हुए मिलते। बहू सास ससुर के आने पर उन्हें गर्म-गर्म खाना बनाकर खिलाती, सास के पैर दबाती। सास भी बहू को पाकर निहाल हुई जा रही थी, वो भी अपनी बहू को खूब आशीर्वाद देती, दो दो नावों पूतों फलो। लेकिन ब्राह्मणी के मन में यही रहता कि एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी, तो वो बहू को क्या जवाब देगी। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती तो ब्राह्मण कहने लगा, जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा, अगर भगवान नहीं चाहते तो बहू ही कैसे आ जाती, सब प्रभु की माया है भोग, तुम भगवान पर विश्वास रखो। ब्राह्मणी के घर में 7 कमरे थे, जिनमें किसी में गहने कपड़े थे, किसी में अनाज था, किसी में बर्तन थे। इस तरीके से 7 कमरे भरे हुए थे। ब्राह्मणी ने सोचा, आज नहीं तो कल कोई पड़ोसन मेरी बहू के कान न भर दे। इसलिए ब्राह्मणी कहने लगी, बेटी ये घर की चाबी है, 6 कमरे खोल लेना, तुझे जो भी गहने कपड़े पसंद हो उनमें से जो अपना पहनना और ओढ़ना, अच्छे से रहना। अब तो जो राधा थी, सास ससुर के गंगा स्नान करने जाने के बाद एक एक करके कमरे खोलती और उन्हें देखती, कोई अन्न के धन से भरा हुआ है, किसी में गेहूं की बोरियां लदी हुई हैं,
किसी में अच्छे अच्छे कपड़े हैं, किसी में अच्छे अच्छे गहने हैं, किसी में खाने पीने की चीजें हैं, तो राधा बड़ी खुश रहती। लेकिन अकेला इंसान भी कब तक उन्हें पहरे का उड़ेगा, बहू के भी मन में आती। अब कुछ दिन तो खुशी खुशी करती रही, लेकिन अब उसका जी उनसे भरने लगा। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई, वो पड़ोसन के घर गई। आग बुझ गई कि पड़ोसन कहने लगी, अरे भाई तू कौन है, हमने तो तुझे कभी पहले देखा नहीं है। वो कहने लगी कि देखो मैं तुम्हारे पड़ोस में ब्राह्मण जो ब्राह्मणी है उनके बेटे की बहू। पड़ोसन कहने लगी, अरे बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन वो तो बांझ है, उसके तो कोई पुत्र नहीं है। वो कहने लगी, अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? उनका बेटा काशी जी पढ़ने गया है और मैं उनकी पुत्रवधू। पड़ोसन कहने लगी, हमने तो कभी आज तक उनके बेटे को देखा ही नहीं है, कब जन्म हुआ और कब कहाँ सीजी पढ़ने गया, हम तो यही रह रहे हैं, हमेशा से देखा उसके कोई पुत्र नहीं है। बहू को सुनकर बड़ा दुख हुआ, सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहने लगी, माँ जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, भला कोई बिना बेटे के बहू कैसे ला सकता है, मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मुझे प्यार करते हैं, एक बेटी के जैसे आप गलत बोल रही हैं। तब पड़ोसन कहने लगी, बहू से देख हम गलत नहीं कह रहे, अगर इसका कोई पुत्र होता तो कोई ना कोई तो देखता, अड़ोसी पड़ोसी किसी ने भी आज तक इसका पुत्र नहीं देखा। अगर तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है तो तुम अपने सास ससुर से पूछ लेना। तो वह कहने लगी, माँ जी मैं ऐसे कैसे पाप कर सकती हूँ, मेरे सास ससुर से बूझना मतलब मुझे उनके ऊपर शंका करना पाप के बराबर है। तो वो कहने लगी कि बेटी मेरा कहना मान, आज दाल में नमक बहुत तेज कर देना और रोट या तो रोटी या जली कटी बनाना, तेरे सास ससुर आए तो उनकी सेवा मत करना। वो बोली, ठीक है माँ जी मैं ऐसे ही करूँगी और पूछे तो बता देना कि जैसे बिन बेटे की बहू आ गई, वैसे ही खाना बनाती खा लो, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो आग लेकर बहू अपने घर आ गई। आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान करके लौटे तो आज उन्होंने देखा ना तो बहू उनकी सेवा करने के लिए आई नहीं, जैसे सास ससुर आते थे, आते ही उनके हाथ पैर धुलवाते, फिर उनके जो चाय नाश्ता देती, भोजन की तैयारी करती थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं था। ब्राह्मण ब्राह्मणी एक दूसरे का मुँह देखने लगे। ब्राह्मणी कहने लगी, जरूर आज बहू किसी की सीख में तो नहीं आ गई, बहू आई तो उखड़ी उखड़ी सी थी, आज उसके चेहरे पर सादगी नहीं थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। खाना खाने के लिए बैठे तो दाल में नमक बहुत ज्यादा था, रोटियां जली हुई थी। ब्राह्मणी कहने लगी, अरे बहू आज ये कैसा खाना बनाया है। बहू ने तुनक के जवाब दिया, जैसे बिन बेटे के बहू आ जाती है वैसे ही खाना बनाती खा लो, जैसा भी है। अब तो ब्राह्मणी को पूरा विश्वास हो गया कि बहू को किसी ने भर दिया है। बहू कहने लगी, माँ जी आपका बेटा तो बना जो काशी जी गया है, काशी बनारस गया हुआ है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आखिर वो कब आएंगे, मैं भी तो अपने पति को देखना चाहती हूँ। अब हमने कहने लगी, बेटी आएगा किसने, कहा कि हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा है जब ही तो हम बहू लेकर आए हैं, बिना बेटे का हम बेटा तुझे कैसे लाते, और यह सब धन भंडार जो भी है सब तेरे लिए ही तो है। वे कहने लगी, माँ जी बिना पति के धन भंडार का मैं क्या करूँगी, मुझे तो मेरा पति चाहिए। अब बहू को जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने समझाया, लेकिन बहू नहीं समझी, अपना अनशन पार्टी ले पड़ गई। अगले दिन जब सास ससुर गंगा स्नान करने जाने लगे तो कहने लगी, माँ जी आपने मुझे पूरे घर की चाबियाँ नहीं सौंपी हैं, कुछ ही दी हैं। अगर आपके मन में शंका नहीं है तो मुझे सारे घर की चाबियाँ दो। जो सातवां कमरा है वो तो मैंने खोला ही नहीं है। बुढ़िया माई ने सोचा कि इसलिए नाराज हो रही है कि सातवां कमरा नहीं देखा, उसमें कौन सा ज्यादा कुछ है, दे देती हूँ। उसने दे दिया, बेटी सब कुछ तेरा ही है तो देखना। अब बूढ़े बुढ़िया चले गए।
बूढ़े बुढ़िया दोनों नहाने के लिए चले गए तो जो बहू थी उसने सातवां कमरा खोल दिया। सातवां कमरा खोल दिया तो क्या देखती है, उसमें तो गंगा जी बह रही हैं। उसके नीचे जो एक लड़का बैठा है, किनारे पर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर विद्या अध्ययन कर रहा है। तो वो सोचने लगी, अच्छा तो सासू माँ मुझसे न मजाक कर रही थी, पड़ोसन ने तो मुझे बहका दिया, इनके बेटा नहीं है, कितना खूबसूरत बेटा है, बिल्कुल राजकुमार जैसा। अब बहू बेटे के पास गई, उसके चरण छुए, अब उसके साथ उसे बड़ा अच्छा लगा, बातें करने लगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ। उसने बातें की, क्या आप जब बनारस से कब आए कांची, बनारस आप गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए? तो बोला, मैं आज ही आया हूँ, लेकिन इस बात को माँ को मत बताना, मैं इस कमरे में रहता हूँ, इसको छिपा कर रखना, नहीं तो वो अभी नाराज होंगे क्योंकि मैं उन्हें बिना बताए आ गया हूँ। तो बहू कहने लगी, ठीक है मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। अब तो बहू बड़ी सास सिंगार करके रहने लगी। शाम को जब सास ससुर आए तो बहू ने आते ही उनके हाथ पैर धुलवाए और उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाया, खीर पूड़ी हलवा सब्जी मला, उनकी मन पसंद का सब खाना बनाया। ब्राह्मण ब्राह्मणी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुबह तो बड़ी जली कटी सुना रही थी, अब बहू में इतना फर्क कैसे आ गया? सास कहने लगी, हो सकता है गहने कपड़े देखे होंगे, खुश हो गई है। अब उसने सास के पैर दबाए, सास भी खुश हो गई कि चलो बहू खुश है, बहू ने खूब सेवा की। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी भी खुश रहने लगे, उनकी बहू भी खुश थी। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी की बड़ी सेवा करती थी और जब ब्राह्मण ब्राह्मणी चले जाते तो उस कमरे में जाकर अपनेपन के साथ समय बिताती। इस तरह से उनका जो बहुत ही गर्व से रह गई। जब ये बात उसने अपनी सासू माँ को बताई तो उनके तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उनके तो कोई बेटा ही नहीं है, तो फिर बहू गर्भ से कैसे हो गई? उसने सोचा, ब्राह्मण ने कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर से कोई आता हो और हमारी भोली भाली बहू का फायदा उठाता हो। वो बोले, बेटा हमारे तो बेटा काशी जी में है, तो तुम गर्भ से कैसे हो सकती हो? वो बोली, माँ जी सातवें कमरे में जहाँ गंगा जी बह रही है वहीं पर आपका बेटा बैठा हुआ है और वह उन्होंने कहा था तुम्हें न बताने के लिए क्योंकि अभी वह काशी जी पढ़ने गए थे और चुपके से आ गए तुम्हें बिना बताए, तो उन्होंने बोला था माँ और पिताजी को अभी मत बताना, समय आने पर पता चल जाएगा। अब ब्राह्मण ने सोचा, पता नहीं कौन सातवें कमरे में आकर बैठ गया है जो हमारी बहू के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहू के साथ सातवें कमरे में गए, जाकर क्या देखते हैं? गंगा जी बह रही हैं। गंगा के किनारे पीपल का पेड़ बहुत भारी वृक्ष था, उसके नीचे जो ब्राह्मण जो अपना पति बता रही थी, जिसे ब्राह्मण की पुत्रवधु, वो लड़का बैठा हुआ विद्याध्ययन कर रहा था। बड़ा ही खूबसूरत राजकुमार था, जिसे देख जो ब्राह्मणी तो देखती रह गई, कहने लगी, यह कौन है? ब्राह्मण बोला, अरे पुत्र तू ही है, देव है, भूत प्रेत है। कौन है? यक्ष कौन है बता? वो लड़का बोला, देखो पिताजी, न तो मैं भूत न प्रेत हूँ, न ही मैं कोई देव हूँ न ही यक्षों, मैं तो आपका पुत्र हूँ। मैं तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको जो पुत्र रूप में पड़ा। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी एक दूसरे को देखने लगे, ये भगवान तेरी कैसी लीला है, ये कैसी लीला रच दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन मानेगा, ये हमारा पुत्र है और कैसे हम माने कि हमारा पुत्र है? तभी वहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए, गंगा मैया भी प्रकट हो गई। कहने लगे, हे ब्राह्मण हे ब्राह्मणी, तुमने जो हमारी इतनी पूजा पाठ सेवा भावना की है, दान पुण्य किया है, तुम्हारी उम्र बीत गई, अब उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। कार्तिक स्नान किया है जिसके कारण कार्तिक जी के विष्णु भगवान आए। राव दामोदर जी जो आपसे जो राय दामोदर जी प्रसन्न हुए, जो कि साक्षात विष्णु भगवान है। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को समर्पित होता है। आपने इनकी बड़ी सेवा की है। 12 कोस पैदल जाना और आना अपने आप में ही बड़े महत्व की बात है।
इसलिए तुम्हारा पुण्य सफल रहा। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब ब्राह्मणी कहने लगी, प्रभु मुझे तो बांझ का कलंक लगा हुआ है। समाज में कौन मानेगा कि यह मेरा पुत्र और भगवान ने दिया है? तब कौन विश्वास करेगा? तब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी कहने लगी, इसकी चिंता तो मत करो। तुम अपने सीने से इसे लगाओगे तो तुम्हारे सीने से दूध की धार बह जाएगी और तुम इसको पुत्र रूप में स्वीकार करोगी। अब ब्राह्मण ने तो जो अपने पुत्र को पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई, वो बोली प्रभु के कदमों में लेट गई। बोली प्रभु, ये सब समाज के आगे हो तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि कल को हम भी गर्व से कह सकेंगे कि हमारा पुत्र है। प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया। तथास्तु कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपनी बेटी जो बहुत ही पुत्रवधु, उसकी गोद भराई का जो प्रोग्राम रखा कि गर्व से उसकी गोद भराई का प्रोग्राम रखा। अड़ोस पड़ोस की सभी औरतों को बुलाया गया। गोद भराई का प्रोग्राम की तैयारी होने लगी। आपस में औरतें कानाफूसी करने लगी। कहने लगी, कैसी गोद भराई? ये बहू तो चरित्रहीन होगी, इनके तो कोई पुत्री नहीं है। जब पुत्री नहीं है तो बहू गर्भ से कैसे हो गई? और हमें तो इनकी बात ही पता नहीं चल रही कि बहू ले आए तो ले कैसे आए। तब पड़ोसन की बात सुनकर ब्राह्मणी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, पड़ोसन जो ब्राह्मणी से जो औरतें इकट्ठे हुई थी, अरे ब्राह्मणी जी, अपने कम से कम पुत्र के तो दर्शन कराओ। बचपन से जन्म से लेकर हमने तो आज तक कभी तुम्हें देखा ही नहीं है कि तुम्हारे कोई पुत्र भी है। हमने तो आज तक लड़ाई झगड़ों में तुम्हें बांझ के नाम से भी पुकारा, लेकिन आपने कभी कहा नहीं मेरे कोई पुत्र है आपने। फिर अब अचानक से पुत्र कहाँ से प्राप्त हो गया? वे कहने लगी, धीरज रखो, मेरे जब पुत्र हुआ था तो वह इतना सुंदर था, किसी का पुत्र इतना सुंदर नहीं था। मेरे पुत्र को कहीं नजर न लग जाए इसलिए मैं हमेशा उसे छिपा कर रखती थी, और जब वह पढ़ने योग्य हो गया तो मैंने उसे उसके मामा के साथ कांशी जी भिजवा दिया। अभी तक जो उसकी शिक्षा पूरी हुई है और अपनी शिक्षा पूरी करके लौटा है, उसने अपने बेटे को आवाज दी, अरे विष्णु जरा बाहर तो। जब उसका बेटा बाहर आया तो सब औरतों के मुँह फटे के फटे रह गए, बिल्कुल राजकुमार जैसा, इतना सुंदर। आपस में कहने लगी, अरे ब्राह्मणी तो सही कहती है, इसीलिए इसे बाहर नहीं निकाला कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। और जब उसने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है, अपने बेटे को सीने से लगाया तो उसके सीने से दूध की धारा फूट निकली। लोगों को विश्वास हो गया कि ब्राह्मणी सच्ची है और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। नौवे महिमा महीने जो चंद्रमा के समान पोता भी हो गया। अब तो ब्राह्मणी का भरा पूरा परिवार हो गया। पुत्र, पोते, बहू जो उसने सोचा था वही हो गया। कार्तिक माता के स्नान करने का इतना फलों से मिला, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जीवन सुखमय हो गया। कार्तिक स्नान के कारण ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई और उनके सब दुख मिट गए। हे कार्तिक भगवान, विष्णु भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही जो ये कहानी सुन रहे हैं और यह कहानी जो कह रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।